कभी अपने घर में तो कभी पड़ोसी देशों से घिरे इसराइल की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। एक ओर जहां पहले हमास के लड़ाकों ने इसराइल पर सैकड़ों मिसाइल दागकर दहला दिया था, तो वहीं अब ईरान भी इसराइल पर इस कदर हावी हो रहा है मानो दोनों देशों ने एक दूसरे के खात्मे की कसम खा रखी हो। बीते 14 अप्रैल को ईरान ने इसराइल पर इस कदर हमला किया जैसे आसमान में आतिशबाजी हो रही हो। ईरान ने 300 से ज्यादा मिसाइलें दागकर इसराइल को ऐसी चुनौती दी कि बौखलाए इसराइल ने कभी इसकी कल्पना तक नहीं की होगी। हालांकि इसराइल ने दावा किया था कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम और अमेरिकी युद्धपोतों ने 99% हमलों को इंटरसेप्ट कर लिया था। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंचा है। इस बीच वेस्ट बैंक और इसराइल के बीच स्थित जूडियन रेगिस्तान के अराद इलाके में एक बैलिस्टिक मिसाइल के विशालकाय टुकड़े मिले हैं। दावा किया जा रहा है कि ये ईरान की ओर से छोड़ी गई मिसाइलों का ही मलबा है। इजरायली सेना ने भी अपनी सरजमी पर ईरानी हथियारों के टुकड़े मिलने की पुष्टि की है। बताया जाता है कि इस हमले के बाद दक्षिण में खोजी गई ये पहली मिसाइल नहीं है। डेड सी में भी इसी तरह की मिसाइलों के कई टुकड़े देखने को मिले हैं। इन मिसाइलों के मलबे मिलने से कई सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। साथ ही आईडीएफ प्रवक्ता के दावों को चुनौती भी दी जाने लगी है कि जमीन पर मिसाइलें अभी भी कैसे पाई जा रही हैं। खासतौर से तब जब आईडीएफ प्रवक्ता ने ईरान के हमलों के बाद खुलासा किया था कि इसराइल के शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम ने 99% ईरानी हमलों को रोक दिया था। बताया जा रहा है कि आईडीएफ ने ईरानी हमले से इसराइल पर उठ रहे सवालों के चलते डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और ईरानी हमलों को असफल करार दिया। इजरायली न्यूज एजेंसी द जेरूसलम पोस्ट की खबर के मुताबिक इस हफ्ते मिली मिसाइल ईरानी इमाद है जो हैबर शेकान के साथ हमले में इस्तेमाल की गई दो प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है। इमाद पुरानी शायद 3 मिसाइल का लेटेस्ट वर्जन है जो खुद उत्तर कोरियाई रोडोंग पर बेस्ड है। दावा है कि ईरान ने इसराइल पर तकरीबन 110 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। बहरहाल इजरायली सेना इन ईरानी मिसाइलों का मलबा इकट्ठा करने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि तेहरान की रक्षा तकनीक के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इनका अध्ययन करने की योजना है। बता दें कि ईरानी हमले के कुछ दिनों बाद एक रिपोर्ट में आईडीएफ प्रवक्ता के हवाले से स्वीकार किया गया था कि कुछ ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम से बच निकली थी जो नेवातिम एयरपोर्ट पर गिरी थी जिस वजह से वहां कुछ नुकसान पहुंचा था।